मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह बारिश कर दिया है। देखिए सब तरफ भींगा भींगा मौसम, भींगा भींगा मौसम। देखिए पानी कैसे बह रहा है, देखिए झर्र सा बह रहा है। आज सुबह सुबह पानी कर दिया। अभी समय है 7:30। देखिए नदी जैसा बह रहा है, छोटी नदी, गंगा नदी छोटी नदी। आइए मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, कुआं में कितना पानी भरा है। वो रहा कुआं, मैं निकलने तक पानी थम गया। मैं सोचा था कि बारिश की बौछारें आप लोगों को दिखाता, लेकिन बारिश की बौछारें मेरे निकलने तक पानी ख़त्म हो गया। मेरे साथ ऐसे ही होता है। ये देखिए कुएं में कितना पानी भरा है। देखिए कुएं में कुछ पेड़ पौधे भी हुए हैं और लगभग कुआँ 80% भर गया है, और कुछ भरेगा तो भर जाएगा। देखिए दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे दुकान की तरफ। लेकिन मेरा बारिश में वीडियो खींचने का जो प्लान था वो टूट गया। प्रसाद जी पेपर पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं दुकान से। रास्ता में पानी भर गया है एकदम। मुर्गा भी भींग गया है बारिश में। क्या मेरे वीडियो में सिर्फ मुर्गा ही दिखाई देते हैं। मुर्गा आ रहे हैं, दूध चाय पियेंगे, इसलिए दूध लेने जा रहे हैं। बारिश तो ख़त्म हो गया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बारिश कर रहा है। गंदा। आसमान में उतर बादल ही फैला हुआ है। कल का वीडियो में हम मैरीलैंड स्कूल का, मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सेंटर दिखाया था आप लोगों को। मेरा एग्ज़ाम लिखने का कोई खास मकसद नहीं था, एक एक्सपीरियंस जाहिर करना था, अपने एक्सपीरियंस देखना था कि कितने पानी में हैं। और क्योंकि JPSC का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और इसलिए अपना एक्सपीरियंस देखना चाहते थे कि कितना नंबर ला सकते हैं, कितना मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा कभी कभी मौका मिलता है, और कुछ सालों के बाद तो ये मौका भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ट्राई कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इसमें क्वालिफाई हो जाएगा, कुछ बहुत कम मार्क्स मिले हैं और क्वालिफाई होने का चांस है भी और नहीं भी, तो ये तो आयोग निर्णय लेगी। मैंने आंसर की से चेक किया था, कट ऑफ मार्क के आसपास है, पर वो मेरा निर्णय नहीं है, उनका निर्णय क्या होगा, आयोग का निर्णय ही मान्य होगा।
तो फ्रेंड्स मैं दुकान पहुंच गया हूं। देखिए आपको तो कोई पानी दिखाता हूं, पानी पहुँच गया हूँ। देखिए यहां से पानी गिर रहा है, ये है मेडिकल स्टोर और इधर है अनिदिरटोला और इधर है जक्का मैदान। मैं यहाँ से मिल्क ले लूँगा। पूरा दुकान को तो हम लोग नहीं ले रहे थे, उसको सरकार गोदाम कर लेंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वाला गली दोनों का तो गली जो है पूरा बराबर से मिल्क लेंगे। एक दूध पैकेट दीजिएगा, बच्चा को भी हम पढ़ाया लिखाया, काहे झूठ बोले। नहीं असिद्धा कैमोन सुबह ही में ना हाँ गाँव देहात में पैदल चल जाता था, वो स्कूल या साइकिल गाड़ी घोड़ा नहीं था भाई, काहे झूठ बोलेंगे। नहीं उस समय कहाँ था ही नहीं। मौसम अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश अभी गिर नहीं रहा है। दुकान से मैंने सामान ले लिया है। इस दुकान से छोटा सा दुकान है, ये ग्रामीण क्षेत्र है ना, इसलिए छोटा सा दुकान रहता है। और मैं जिनसे बात कर रहा था वो यहाँ पर आसिफ दा का गैरेज है, गाड़ी उड़ी बनाता है यहाँ पर गैरेज। ये देखिए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बहुत सुंदर सा घर है ये, बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब मैं अपने आप को दिखाता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक बनाऊंगा। ये है मुकुट जा रहा है। ये देखिए पानी अभी भी बह रहा है, मिलते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, जब बारिश करेगा तब फिर से बारिश वाला वीडियो बनाएंगे। ओके आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।